तो आप सभी का स्वागत है इनकलक्स फाइंड में। और आप लोग आज किस वीडियो में एक ऐसी वैकेंसी लेकर आए हैं जो दो दो डाटा ऑपरेटर की बहाली के लिए हम आप लोग को बताएंगे फॉर्म के बारे में, जिसको कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग सबसे पहले बात करेंगे वैष्णवी हॉस्पिटल में आई एक भर्ती के बारे में, जिसके लिए आप लोग का डाटा ऑपरेटर में बहाल करने जा रही है। तो आप लोग इसको फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप लोग वैष्णवी हॉस्पिटल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा और वहां से आप लोग का वहां से ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन फॉर जॉब पर आप लोग को यहाँ पर जो दिख रहा है आप लोग का, इस पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर लेना है और इससे सारी जुड़ी जानकारी आप लोग को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग डीओ की वैकेंसी है और यहाँ पे आप लोग नीचे यहाँ पे देख सकते हैं इस पर एमटीएस का भी वैकेंसी है, बट अभी एमटीएस का वैकेंसी जो है इसको अभी नहीं हो रहा है, बट आप लोग का यहाँ पे डीओ का यहाँ पे वैकेंसी है। तो आप लोग इसको सिंपली ओपन करके आप लोग इससे डिटेल्स पूरा पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस पर हम सिंपली क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में आप लोग को यहाँ पर नीचे इससे सारी जानकारी आप लोग को देखने को मिलता है और आप लोग यहाँ से पूरा यहाँ से डाउनलोड करके आप लोग नोटिफिकेशन आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पर हम लोग सिंपली क्लिक करते हैं। चलिए हम क्लिक करके देख लेते हैं। क्लिक करने के बाद में आप लोग को यहाँ पे इस सारी जुड़ी जानकारी आप लोग को मिलेगा और आप लोग इसके पहले आप लोग क्या करना है, आप लोग को यहाँ पर 3 डॉट जो दिख रहा है यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले क्लिक कर लेते हैं। चलिए और यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन जो दिख रहा है इसको आप लोगों को इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद में आप लोग यहाँ से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप लोग यहाँ से भर दीजिएगा अपना और उसके बाद में आप लोग लॉगिन करके फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। इसका कोई भी चार्ज नहीं है फी, ठीक है। और दूसरी बात करें वैकेंसी के बारे में, तो दूसरा वैकेंसी जो है इन्फोटेक कंपनी का जो वैकेंसी है वो आया है, तो आप लोग इसको भी दिखा देना चाहेंगे। तो आप लोग यहां से देख सकते हैं ये जो है वैकेंसी, आप लोग को इसको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, बल्कि आप लोग को यहां पे एक मेल आईडी दिया गया है। यहाँ पर मेल आईडी पे आप लोग को इस पर जो मेल आईडी दिया है इस पर आप लोग को अपना रिज्यूम सेंड करना है, ठीक है। और आप लोग यहां से आप लोग इसकी जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और आप लोग देख सकते हैं आप लोग का टाइपिंग स्पीड जो है आप लोग का 30 WPM मांगा गया है, हिंदी और इंग्लिश में होना चाहिए। और आप लोग सैलरी का यहाँ पर मैंसन किया गया है आप लोग का 90,000 पर मंथ आप लोग का है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग का फुल टाइम आप लोग वर्क करना है। रिक्वायर्ड फोर्स जो है 30 वैकेंसी निकली हुई है, तो आप लोग इसको आप लोग इससे जितनी भी जानकारी आप लोग जो मोबाइल नंबर दिया गया है आप लोग इससे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये जानकारी अगर आप लोग अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो वीडियो आप लोग कैसा लगा हो, चैनल अगर पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।